अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सुबह सुबह निकले कहाँ पर है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग निकले हैं मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन महाबलेश्वर के लिए। और ये अपनी खूबसूरत मंज़र, सब्ज वादियाँ और खुशगवार मौसम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट बनाए गए हैं, तो हमसे जितना हो पाएगा मैं आप लोग को आपसे शेयर करती रहूँगी। तो हम लोग सुबह के 6:30 बजे घर से निकले हैं और कुछ 10:30 तक हम लोग पहुँच चुके थे, क्योंकि हम लोग बीच बीच में रुकते हुए आ रहे थे, क्योंकि रास्ते में बहुत घाट मिलता है, वो बहुत ख़तरनाक है। मतलब इतना घुमा घुमा के लेके आता है ना कि सर पूरा चकराते रहता है। तो हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेकर चल रहे थे, इसलिए हम लोग 10:00। तो हम लोग यहाँ पर संडे के दिन आए थे और वीकेंड में यहाँ पर बहुत रश होती है, क्योंकि वैसे ही समर का सीज़न है तो हर कोई यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते रहते, तो बहुत रश थी। हम लोग को बहुत बुरी तरीके की ट्रैफिक मिली थी जिसमें हम लोग फंस गए थे। तो हम लोग जैसे वैसे करके निकल गए हैं और यहाँ पर हम लोग नेचर रिजॉर्ट में आए हैं। यहाँ पर हमें रूम लेना है, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे चेक किए होटल्स रिजॉर्ट वगैरह, बट सब फुल थे। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर हमें मिल गया, तो हम लोग ने कुछ आगे पीछे देखा नहीं है और बस हम लोग ने यहाँ पर चेकिंग कर लिए है। और देख सकते हो अंदर का जो ओवरऑल व्यू है वो इतना खूबसूरत है, हर तरफ बस यहाँ पे महाबलेश्वर में आप लोग को बस ग्रीनरी देखने मिलेगी। और हम लोग चिपलून से आए, तो चिपलून में टेम्परेचर थोड़ा हाई था, और जैसे ही हम लोग महाबलेश्वर में एंटर किए तो इतना सुकून लग रहा था, पानी भी इतना यहाँ का ठंडा था ना कि पूछो मत, बहुत तो सुकून वाली जगह है ये। तो हम लोग बस यहाँ पर अपनी कार पार्क करेंगे और फिर मैं आप लोग को अपना रूम टूर दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये है रूम का एंट्रेंस जहाँ से एंटर करते हैं, और ये ड्यूप्लेक्स रूम है। और ये जो अभी आपने देखा वो नीचे की साइड है, यहाँ पर डबल बेड लगा हुआ है, ये सामने मिरर है इसके, और साथ में टीवी भी है एंटरटेनमेंट के लिए। और फिर इस तरफ से स्टेयर्स है जिससे ऊपर जाना है, और ऊपर भी बेड रखे हुए हैं। तो पहले हम ऊपर जाते हैं और देख सकते हो यहाँ पर भी डबल बेड लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा रूम है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और इसका आउटसाइड व्यू भी बहुत खूबसूरत है और मतलब सुकून वाला है। तो यहाँ से बाहर जाने के बाद बाहर रूम से बाहर का व्यू कुछ ऐसा आता है। ये सारे रूम भी इसी रिसॉर्ट के हैं, तो बैड लक यहाँ पर भी हमें रूम नहीं मिले क्योंकि ये भी सारे फुल थे। और इस रूम का मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि ये सारा है ना मीन्स प्राइवेट है, कि जब हमें एक पूरा रूम ले लेते हैं ना तो उसमें पर्सनली स्विमिंग पूल स्विंग वगैरह सब आ जाता है। तो ये इस रूम का पर्सनली ये वाला स्विमिंग पूल है, वहाँ पे स्विंग है, तो बहुत ज़बरदस्त रूम है यहाँ पर बनाए हुए, और बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पर, वीडियोज़ वगैरह भी बहुत मस्त आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे और वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। और ये दूसरे है इस तरफ, तो मतलब मेरे को लगता है थीम वाइज इन लोग के सारे रूम्स बनाए गए हैं, तो ये अलग इस तरफ है बनाए गए, तो बहुत खूबसूरत है यहाँ के भी रूम्स बनाए गए हैं वो। और ये देख सकते हो इस तरीके का है इसका एंट्रेंस, और यहीं से हम लोग जा सकते हैं स्विमिंग पूल के लिए। तो
तो ये हम लोग जैसे ही रूम में एंटर किए थे वैसे ही हम लोग जल्दी से फ्रेश हो गए और स्विमिंग पूल की तरफ निकल आए, क्योंकि अगर जब हम लोग यहाँ से घूमने के लिए बाहर जाएंगे तो फिर स्विमिंग पूल में आने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ने सोचा कि पहले स्विमिंग पूल का कर लेते, उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होके फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग आए थे स्विमिंग पूल में जाने के लिए और पानी इतना ठंडा था कि हाथ भी डालने का मन नहीं कर रहा था। स्विमिंग पूल से निकल के हम लोग फ्रेश हो गए थे और निकल रहे हैं अभी। हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर रुके हैं, तो हम लोग ने वड़ा मंगाया था और मटन वगैरह सब था, तो खाना वगैरह हो गया हम लोग का। और फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं टेबल पॉइंट पर, जहाँ पर बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है और इतना खूबसूरत है ये। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। टेबल लैंड पे विजिट देने का कारण एक ही अपना कि एशिया का सी लेवल से सेकंड नंबर का कॉन्टिनेंटल प्लेटो है तिब्बत के बाद। ये जो दिख रहा है ना 4378 फीट ऊपर है सी लेवल से, और सी लेवल से ऊपर आने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसलिए ये ब्रिटिशों ने ये पेड़ लगाया। ये पेड़ के इफेक्ट की वजह से आज 35,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। अस्थमा के पेशेंट को स्टे किया जाता है विदाउट हॉस्पिटल। पानी दिख रहा है ना, दबंग पिक्चर का गाँव दिखा था, महेश मांजरेकर का पहला दबंग आया था ना, ये रेलिंग है। यहाँ पे खिलाड़ी पिक्चर का वादा था, सलम गाना, सलमान खान का मंदिर पिक्चर का गाना, बहुत सारे शूट हुए। इतना जानकारी है अभी घूमो और घोड़ा घड़ी से ऊपर 8 पॉइंट है देखने के लिए। वहाँ पे गुफा है जमीन के नीचे शूटिंग पॉइंट, घोड़ा घड़ी का नाम 1500 कितना लेगा वो 1200 रुपये लेता है। मशीन का फ्रिज का यूज नहीं। हर्ष आइसक्रीम ले। टेस्टिंग रूम के उस शूटिंग पॉइंट पालन के लाइटिंग ऑफ लिप वगैरह कौन है क्या है आइसक्रीम? उसमें आपको 4 आइसक्रीम आएंगे, एक कोन में चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, गुलकंद, सीताफल, चारों। तो ये टेबल लैंड पॉइंट बहुत बड़ा है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग चलते कवर नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को बस हॉर्स राइडिंग मतलब सवारी लेना कंपलसरी होता है, जैसे भी हम चाहे वैसे। तो बग्गी वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, जो चाहे हम ले सकते हैं। तो हम लोग को मतलब मुझे नहीं करना था हॉर्स राइडिंग वगैरह, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हसनैन को बैठने का था, इसलिए मैंने कहा कि मोहसिन को आप हसनैन को लेके चक्कर लगा कर आ जाओ। तो यहाँ पर जो हॉर्स राइडिंग रहती है उसके भी अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो ये है पूरा टेबल लैंड पॉइंट, और यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की, इंडियन, साउथ इंडियन और भी बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे और हम लोग ने यहाँ पर रील्स बनाए, वीडियोस और पिक्चर वगैरह सारे क्लिक किए। और यहाँ पर हम लोग बहुत देर तक थे, शाम हो चुकी थी, और हम लोग जिस दिन आए थे उसी दिन से हम लोग एक्सप्लोर करने निकल गए थे। तो बहुत थकान हो रही थी, तो हम लोग जाके रूम पे सो।
ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, और हम लोग सुबह आए हैं तो यहाँ पर आप लोग को भीड़ थोड़ी कम दिखाई देगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है, और भीड़ के साथ में यहाँ पर है ना मंकीज़ भी बहुत होते हैं, और यहाँ के मंकीज़ से बहुत डरना पड़ता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं मेरे जीजा जी कि बैग्स वगैरह है ना ऐसे लगा लो ताकि मतलब जो मंकीज़ रहते हैं ना वो लोग हाथ का भी खाना छीन के लेके जाते हैं, फ़ोन भी इवन लेके जाते हैं, पर्स वगैरह, तो बहुत एहतियात से रखना पड़ता है यहाँ पर हर चीज़। तो हम लोग यहाँ पर सुबह में आए इसलिए आप लोग को थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है भीड़ वगैरह। तो इस पॉइंट का नाम है एलिफेंट्स हेड पॉइंट, और ये इसका नाम इसके यूनिक शेप की वजह से इसका नाम ये पड़ा है। और यहाँ ऊपर से व्यू कुछ ऐसा आता है नीचे का, ये जो आपको अभी बहती हुई दिखाई दे रही है रिवर, इसका नाम है सावित्री रिवर। हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही उठकर आए थे विदाउट ब्रेकफास्ट, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग को यहाँ पर फ्रूट्स मिल गए थे, जामुन और मिक्स फ्रूट, तो वही हम लोग खा रहे थे। और ये जो आपको दिख रहा है ये शेप, ये एलिफेंट का हेड है, और इसके ऊपर जो बनाया गया है वो मतलब पॉइंट देखने के लिए, तो इसकी वजह से इसका नाम एलिफेंट्स हेड पॉइंट गिरा है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए, और रास्ते में ही हम लोग को ये रेस्टोरेंट मिला था जहाँ पर इतने पेड़ मतलब ये सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हुए हैं जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, तो उसी का मैं आपको थोड़ा सा शॉट दिखा रही हूँ। और हम लोग ने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर कॉर्न पकौड़ा मंगाया था, और ये फर्स्ट आया था और बहुत लेट हुआ था सब आने, तो हम लोग ने जैसे वैसे खा लिए थे और बस अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे थे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या देखने के लिए मिलता है। और आप देख सकते हो इतनी रश है यहाँ पर, टूरिस्ट लोग इतने यहाँ पर आते हैं, पॉपुलर है बहुत। तो हम लोग यहाँ पर सावित्री पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, और एक रहता है कि हर पॉइंट के लिए हम लोग को बहुत चलना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर चलते जा रहे हैं नीचे की तरफ। और आप देख सकते हो कि इतना खूबसूरत यहाँ से वीडियोस आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, इतना मज़े का है ना व्यू, तो यहाँ से इतना अच्छा दिख रहा है, तो पता नहीं नीचे जाके कैसा दिखता होगा। तो चलो हम लोग जल्दी से जाते हैं, देखते हैं कि नीचे से कैसा व्यू आता है वो। और यहाँ पर सीढ़ियाँ उतरते टाइम जो इतने पैर दर्द हो रहे थे ना कि पूछो मत, इसलिए मैं भागते भागते जा रही थी यहाँ से। और यहाँ पर छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे, मतलब मैगी थी, कॉर्न था, चना चाट वगैरह बहुत कुछ था, तो यहाँ पर खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी। और नीचे आने के बाद इतना खूबसूरत मंदिर दिखाई देता है, तो आप लोग को यहाँ पर बस वादियाँ ही वादियाँ नज़र आएगी, और इतनी हरी हरी वादियाँ है ना कि सुकून लग रहा था यहाँ पर। और हम लोग ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, फ़ोटो क्लिक किए, वीडियोस बनाए, और फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके हुए थे क्योंकि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी ज़बरदस्त जगह थी ये। और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ऊपर सफ़ेद बादल है और नीचे पूरी हरियाली दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।